हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक हेल्थ सेल का गेम देखेंगे जो कि उन्होंने यूरोप के साथ 1969 में जर्मनी में खेला था। दोस्तों, ये गेम काफ़ी छोटा था लेकिन काफ़ी मज़ेदार गेम था। तो चलिए हम लोग देखते हैं गेम में क्या हुआ। मिखाइल टैल के गेम में व्हाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत की E4 के साथ। ब्लैक ने खेला C5, सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, D6, D4, सी टेक्स ऑन D4, नाइट टेक्स ऑन D4, नाइट F6, नाइट C3, G6। दोस्तों, ब्लैक ड्रैगन वेरिएशन खेल रहा है सिसिलियन डिफेंस का। यहाँ पे मिखाइल पहले खेला बिशप E3, बिशप G7, F3, नाइट C6, क्वीन D2 एंड गेम में ब्लैक ने खेला बिशप B7। वाइट ने किया यहाँ पे लॉन्ग कैसल, रुक C8 खेला गया गेम में, किंग B1, क्वीन A5 एंड यहाँ पे मिखाइल पहल ने G4 खेला। दोस्तों, वो H5 खेल के ब्लैक के किंग साइड पे अटैक करना चाहते हैं। गेम में ब्लैक ने खेला S6 जो कि अच्छा मूव नहीं था, क्योंकि अब इस मूव के बाद ब्लैक शॉर्ट कैसल नहीं कर पाएगा कभी भी, क्योंकि ब्लैक का S6 वाला पॉन कट जाएगा। गेम में मिखाइल पहल ने खेला H4, A6 खेला गया ब्लैक के द्वारा। यहाँ पे बिशप E2 खेला गया, नाइट E5। मिखाइल पहल ने इस पोजीशन में खेला G5 और वो ब्लैक के नाइट पे अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक ने खेला H×G5 एंड H×G5 के बाद इस पोजीशन में ब्लैक ने Rxh1 खेला। लेकिन दोस्तों, ये मूव अच्छा नहीं था, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इस मूव में प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे दोस्तों, ब्लैक सोच रहा था कि इस मूव के बाद वाइट Rxh1 खेलेगा, फिर वो नाइट H5 खेल सकता था। लेकिन यहाँ पे मिखाइल पहल ने एक जबरदस्त मूव खेला जो कि था Pn×F6। दोस्तों, वो अपने B1 वाले रूक को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो भी चेक के साथ। यहाँ पे ब्लैक ने खेला Rxd1 चेक एंड यहाँ पे इस रूक को मिखाइल पहल ने नाइट से कैप्चर किया, Nxd1। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे वाइट ब्लैक के क्वीन पे भी अटैक कर रहा है और साथ ही साथ ब्लैक के बिशप पे भी अटैक कर रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे तो इसमें कौन सा बड़ा बात है। यहाँ पे तो ब्लैक क्वीन D2 खेल सकता है और बिशप D2 के बाद वो बिशप F6 खेलेगा और फिर इस पोजीशन में वो एक्सचेंज अप होगा तो वहाँ पे वो इस गेम को जीत जाएगा। लेकिन इस पोजीशन में मिखाइल पहल ने खेला F×G7 और वो नेक्स्ट मूव में क्वीन या रूक प्रमोट करके ब्लैक के किंग को चेकमेट करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पे ब्लैक के क्वीन पे भी अटैक कर रहे हैं। सो दोस्तों, इस पोजीशन में ब्लैक दोनों थ्रेट को प्रिवेंट नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ पे उसने रिजाइन कर दिया। यहाँ पे आप लोग जैसा कि देखेंगे, वाइट के इस पॉन को रोकना ब्लैक के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वो बिशप E6 खेल सकता था, क्वीन अपना जिंदा करता, देन किंग D7 के बाद क्वीन C8 चेक एंड किंग C8 के बाद वो सिंपली यहाँ पे बिशप D2 खेल सकते थे और इस पोजीशन में मिखाइल तैल 2 पीस अप होते तो ये गेम को वो काफी आसानी से जीत सकते थे। सो F×G7 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। दोस्तों, आप लोगों को ये मिखाइल तैल का गेम कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।